हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल राइडर शक्ति में, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शक्ति सिंह। आज का ब्लॉग बना रहा हूं मैं एक अनबॉक्सिंग पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं गोप्रो 7 ब्लैक की। तो काफ़ी टाइम से मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि आपका कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो के द्वारा मेरे साथ कनेक्ट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, ताकि आप सबसे पहले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन देख सकें और आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं कि GoPro 7 ब्लैक कैसा है, इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। चलो जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं। हाँ, सो गाइस, ये आया बिल। बिल आप देख सकते हैं, बिल की कॉस्ट पड़ी है 28,999। और ये है हमारा बॉक्स के अंदर, कुछ और तो नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली। ठीक है, आप देख सकते हैं स्पेशल बंडल है, और इसमें एक अच्छी चीज़ लिखी है, गिम्बल लाइक हाइबर स्मूथ स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो हम देखते हैं। पहले मैं इसके बाहर से जो है रैपर सा लगा उसको मैं काट के देख लेता हूँ। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें मुझे क्या मिला है, एक्स्ट्रा वारंटी कार्ड, 1 ईयर का एक्सटेंडेड वारंटी। मुझे ये ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ना GoPro की साइट पर जाके, एंड कुछ और पासपोर्ट प्रोग्राम्स वगैरह दिया है। इन चीज़ों को यहाँ रख लेते हैं। अब इस कैमरे को हम निकाल लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा स्पेशल बंडल, ठीक है। स्पेशल बंडल की बात यह है, इसमें एक्सेसरीज इंक्लूडेड है। इसमें मेरे पास है एक शॉर्टी एंड एक 32 GB का एक मेमोरी कार्ड मिला है, और एक एक्स्ट्रा बैटरी, ठीक है। एंड अगर इसके कुछ एक फीचर्स के बारे में दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले 12 MP एंड ये 4K को भी रिकॉर्ड करता है, सबसे अच्छी बात। एंड 10 मीटर तक ये वाटरप्रूफ है, और वॉइस कमांड को फॉलो करता है, टच स्क्रीन के साथ है, और सबसे अच्छी बात है 8x जूम के साथ है, GPS इनबिल्ट है, और SDR के साथ आया, और हाइवर स्मूथ एक बहुत अच्छी चीज़ आई, हाइवर स्मूथ, और लाइव स्ट्रीमिंग का भी इसमें ऑप्शन है। एंड आपको पता ही है GoPro का ऐप को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके साथ सिंक किया जा सकता है इसको। एंड इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिल रही है, कैमरा केसिंग, उसके साथ कुछ इसके क्लिप्स वगैरह, जिसमें से एक डाटा केबल आ गई, चार्जर आ गए, और 2 क्लिप्स मिल रही है। एंड हाँ, प्राइजेस मैं दिखा लेता हूँ, अगर आप देख पाएंगे, ये 30,500 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट है, एंड इसका इम्पोर्ट डेट जो बताया गया सितंबर 2019 का है, ठीक है, बहुत पुराना नहीं है, नया ही है। तो चलो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको अनबॉक्स करना कितना मज़ेदार है, अनबॉक्सिंग करते हुए इसमें एक स्ट्रिप दी गई है, इसको स्ट्रिप को ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, क्या मज़ेदार साउंड था। ओपन 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 एंड टैन टैन, ये निकला हमारा कैमरा, बॉक्स को रखा साइड। ओके, ये है GoPro 7, आप देख सकते हैं इसका लोगो लगा हो, GoPro 7 ब्लैक, एंड कैमरा बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। चलिए जल्दी से कैमरे को निकालते हैं। इसको निकालना बहुत इजी है, यहाँ से इसको ऊपर किया ऐसा, एंड यहाँ से इसको दबाया और आगे की तरफ किया, ये आ गया कैमरा हाथ में, कैमरा विथ इसके स्टैंड के साथ। इसको साइड रख लेते हैं एंड देखते हैं एक्सेसरीज इसमें क्या क्या थी है, इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले इसका एक पूरा यूज़र मैनुअल टाइप की चीज़ है, कैसे कैसे बैटरीज वगैरह यूज़ करना। ओके, इसको साइड रख लेते हैं। हैव क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस के बारे में दिया गया है। एंड GoPro अपना स्टिकर जो कि आप देखते हैं, जैसे मेरे बाइक मैं भी लगा हुआ, मेरे हेलमेट में लगा हुआ, या GoPro। एंड एक और मैनुअल आया, इसके अलावा क्या है इसमें, यस ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। एक आया 32 GB का सैंड डिस्क का मेमोरी कार्ड है, ओके, इसको हमने रखा साइड। एक बैटरी मिल गई, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बैटरी है, इसको रखो साइड। एक और एक्स्ट्रा बैटरी है, ये मैंने कहा था ना, एक एक्स्ट्रा बैटरी इसमें मिल रही है, तो दैट मीन्स एक्स्ट्रा बैटरी की बात ही आई, लगभग 2,000 रुपये तो इसी के पड़ते हैं, 2,000 में बच के।
और अगर मेमोरी कार्ड इसकी भी बात करें तो दैट मीन्स कॉमनली ये मेमोरी कार्ड आपको अराउंड 600 या 700 के आसपास पड़ जाता है। इसके अलावा एक आपको कर्व माउंट मिला है जो कि आपको हेलमेट के ऊपर लगाना है टॉप पर, एंड डाटा केबल है। आप देख सकते हैं कि ए टाइप सी डाटा केबल है, ठीक है, छोटी सी, बहुत छोटी सी। और ये मिला आपको एक छोटा सा शॉर्टी। आप देखो शॉर्टी, इस शॉर्टी की कीमत, अगर इस शॉर्टी की अगर मैं कॉस्टिंग बताऊं, लगभग 3200 से 3300 के आसपास इसकी कीमत है, सिर्फ इतनी सी, ठीक है, 3200 कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। चलो, GoPro का प्रोडक्ट है, काम क्या है, ऐसा इसको रख सकते हैं या फिर आप इसको स्टिक की तरह भी, आप सेल्फी स्टिक की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे को मिली है इसमें, एक मिल गया, ये तीन चीज़ें एक्स्ट्रा मिली। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा पर अच्छा ही है। सो अब जल्दी से अब करते हैं इसमें काम, ठीक है। इसमें क्या काम करते हैं, इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये अनलॉक कर लेते हैं, ओके, और इस कैमरे को हम इसके केसिंग से साइड कर लेते हैं, या साइड, ओके। अब इसको बैक साइड को इसका एक ये रैपर लगा हुआ, इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। ये ठीक है, देखो कैमरा कितना मस्त। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं एंड एक बैटरी को निकाल लेते हैं, या बैटरी बिल्कुल न्यू है, इसको हम इसमें डाल लेते हैं। यस, ये हमने इसको डाला, बैटरी डाल दी, फर्स्ट टाइम बूट कर रहा है, देखते हैं क्या आता है कैमरे में। कैमरा ऑन, आप देख सकते हैं GoPro का ब्रांडिंग शुरू हो गया। एंड इसके बाद लैंग्वेज आ गई इंग्लिश को, ये टच ही है सारा कुछ, तो इसलिए मैंने को टच ही करना। टर्म्स कंडीशन आए, टर्म्स कंडीशन, GPS ऑन, ठीक है, GoPro ऐप। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंक करना अपने फ़ोन के साथ, या GoPro का ऐप, फिलहाल इसको रखो यहाँ और GoPro के ऐप के साथ इसको सिंक कीजिए। टू GoPro कनेक्ट किया, GoPro के साथ अलाउ किया वाईफाई को, एंड अब ये सर्च कर रहा कैमरा, सर्च किया, कनेक्ट आ गया, देखिए कनेक्ट मारा GoPro 7। यस, इसी के साथ ये कनेक्ट कर चुका है इस कैमरे के साथ, आप देख सकते हैं पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि लाइक जूम का ऑप्शन भी है। आप बैटरी दिखा कि नहीं भाई, जूम 8x जूम दिया गया, एंड गुड। एंड इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें, स्टेबलेशन ऑन रखी गई है, एंड इसमें और क्या चीज़ें हैं, सेटिंग्स बहुत सारी सेटिंग्स हैं, देखते हैं क्या सेटिंग्स है। जैसे वॉइस कमांड भी है इसमें, वॉइस कमांड, यस 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 यस। अब बोलते हैं GoPro शट डाउन, शट डाउन। तो आप देख सकते हैं आज मुझे क्या क्या मिला है, कैमरा, डाटा केबल, एक टॉप माउंट, एक एक्स्ट्रा बैटरी, एक एक्स्ट्रा कार्ड, एक शॉर्टी, ठीक है, एक शॉर्टी, इसके अलावा GoPro का एक दो स्टिकर है, एंड बुकलेट है, एंड केसिंग तो आपको पता ही है कितनी अच्छे से पैकिंग की थी। चलिए अब देखते हैं हम नॉइस, अभी मैं छत के ऊपर इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीछे से ट्रैक्टर भी जा रहा है, अभी मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी अभी डल हुई या नहीं। अब लाइक मैं सड़क पर आ गया हूँ, सड़क पर आते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ भी जा रही है, हॉर्न भी बज रहा है, और मैं थोड़ा दौड़ के भी देख लेता हूँ, हल्का सा दौड़ के देख लेता हूँ, इससे पता लगेगा कि इसमें स्टेबलाइजेशन है या नहीं, है तो कैसा है, ठीक है। एंड मौसम उतना क्लियर तो है नहीं, क्लियर तो है नहीं, फिर भी थोड़ी धुंध पड़ी हुई, फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा भी ये स्टेबलाइजेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और
शेड में कैसा काम करता है और सनलाइट में कैसा काम करता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि ये कैमरा अभी आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड से धूप पड़ रही है, और बैक से धूप आने पर मेरा कैमरा कैसा काम करता है। यस गाइस, मेरे बैक से धूप आ रही है, आप ऐसे में देख सकते हैं कि क्या पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही, ये तो आप ही बता सकते हैं। ठीक है, यस, तो चलिए, पसंद आता तो ठीक है, नहीं तो फिर बल्ले बल्ले। तो गाइस, ये था GoPro 7 Black, और काफ़ी सारे दोस्त में से ये कह भी सकते हैं, पूछ सकते हैं, भैया आपने GoPro 7 Black क्यों लिया, GoPro 8 क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऑलरेडी GoPro 2018 था, और उसके मैं एक वो चार्जर मैंने लिया था, उसके साथ बैटरी एक्स्ट्रा ली है, उसका पूरा सेटअप मैंने लिया हुआ था। तो उसमें एक बेनिफिट रहता कि GoPro 7 और उसकी बैटरी या उसका सेटअप पूरा सेम है, उसमें उतनी दिक्कतें नहीं पड़ती। जबकि अगर मैं अभी परचेज़ करता हूँ GoPro 8, तो उसमें ये दिक्कत है कि मुझे पूरा सेटअप फिर से शायद नया लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बैटरी वगैरह पूरा पूरे जो तामझाम है पूरा सब कुछ वो सारा कुछ नया। चलिए, एनीवे, आप मुझे पक्का बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, काम का है तो प्लीज़ शेयर अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।